हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो फ्रेंड्स, आज है दीपावली, बड़ी दीपावली है आज। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। दो दिन से समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है मैं क्या बार बार बोलूँ वही चीज़। तो कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही हो गया, सामान को ढूँढना वगैरह। फिर भी अभी हमको लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं मिले हैं, तो ये अभी एक जगह का पता चला है तो वहाँ जाएंगे। वहाँ वो थोड़ा दूर है सो वहाँ से लेकर आएंगे। नहीं मिलेगा तो देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं नहीं जा रही हूँ आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ व्रत है, मेरा दीपावली का व्रत होता है मेरे यहाँ, तो वो फास्ट है मेरा। और बज रहा है अभी दोपहर का 1:30 बजने वाला है, बहुत देर हो गई है। और आज पूरा दिन बहुत बिजी था, सो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी खाना बनाने, और खाना बनाने में क्या क्या बनाऊंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा एक आज कोरियर आने कल आने वाला था, कोरियर पर्पल से कुछ सामान मैंने मंगाया था तो कल आने वाला था, लेकिन वो आज ही आ रहा है। तो अभी मेरे हस्बैंड वो लेने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इतना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं कचौरी बनाने के लिए जो स्टफिंग रेडी करने जा रही हूँ, ये मैंने उड़द की जो साबुत दाल आती है छिलके वाली, वो मैंने ली है, उसको पीस लिया है। और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, 2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ मैं पिसी हुई, और 1.5 चम्मच धनिया डालूंगी, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, इतनी लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इतना मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सो ये सब मसाले इसमें ज़रूरी होते हैं, और आप चाहें तो इसमें हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं, मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। तो अब हम इसको डो बना लेंगे, बहुत मतलब लूज़ बनाएंगे ताकि बाद में ये सेट हो जाए। मैं ये पानी डाल रही हूँ इसमें, फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हींग, तो मैं हींग डालना भूल गई, हींग भी डाल देंगे। हींग का ही जो फ्लेवर आता है कचौड़ी में वो बहुत ही यमी लगता है। और मैं इसका अभी एक डो बना लेती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना दिया है, और अभी ये सेट हो जाएगा तो एकदम अच्छे से स्टफिंग हो जाएगी। सो ये हो गई हमारी पिट्ठी टैडी, और अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा, जो कचौरी का आटा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये आटा ले लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ मोमन के लिए रिफाइंड, और हल्का सा सॉल्ट, तो फ्रेंड्स अब मैं इसको पानी डालकर गूंद लूँगी अच्छे से। सो फ्रेंड्स, मैं ये पनीर को मस्टर्ड ऑयल डालकर फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और मैंने ये टमाटर और जिंजर और ये ग्रीन चिली को काट के रख लिया बड़ा बड़ा, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, फिर हम प्रिपरेशन रेडी करें, फिर हम प्रोसेस रेडी करेंगे बनाने का। Thank you.
पैन में ऑयल गरम हो गया है मेरा और मैंने इधर ये चढ़ा के रखी है अरबी बॉईल करने के लिए, और पनीर मैंने ये कर लिया है और टमाटर की पूरी भी कर ली है, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ सब्जी को बनाना। सो मैं डालने वाली हूँ जीरा और थोड़ा सा हींग, सिनेमन स्टिक, बेली, तो मैं थोड़ी सी डाल दूंगी हल्दी, और ये टमाटर मिर्च अदरक की प्यूरी है इसको मैं डाल दूंगी। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ऑयल न छोड़ दें। तो फ्रेंड देखिए टमाटर की ग्रेवी अब भून चुकी है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाले। तो मसाले में मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और मैं बना रही मटर पनीर तो इसमें थोड़ी सी जाएगी शक्कर, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके भी कर सकते हैं। और मैं अब डालने जा रही हूँ ये मटर, मटर को मैंने सिझा लिया है, एक सीटी लेकर सिझा लिया है, ये वैसे वाली मटर है, छोटे मटर जाती है, अब थोड़ी देर भूनने देंगे इसको। सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ ये काजू पेस्ट है, ये डाल दूंगी, देखिए इसमें कितनी इसमें सारी काजू का तेल डाल के अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स अब मैं डालने जा रही हूँ ये कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्रश करके ऐसे ही डाल दूंगी। इसे एकदम टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है कसूरी मेथी, आप जरूर डालिएगा। मैं थोड़ी सी और डालती हूँ और ज़्यादा भी मत डालिएगा वरना कड़वा सकती है। तो अभी ये भून चुका है और मैं इसमें काजू के जो ये है पनीर इसको मैं डाल दूंगी। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी अभी, तो फ्रेंड ऑलमोस्ट एक ग्लास पानी डाल दूंगी मैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स मुझे पानी थोड़ा और डालना चाहिए, तो मैं आधे गिलास पानी और डालूंगी। क्योंकि अभी ये अच्छे से बॉईल होगा तो पानी गलेगा, तो मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ, वैसे इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी अभी। सो फ्रेंड्स देखिए अभी ये अच्छे से बॉईल हो गई है और इसमें गाढ़ी भी हो गई है। सो आप इसमें फ्रेश क्रीम या फिर मलाई भी डाल सकते हो, पर मेरे पास इसमें से दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो मैं बटर डाल रही हूँ इसको फिनिशिंग करने के लिए, और इसमें ऊपर से डाल दूँगी धनिया। सो बस रेडी है,
हमारे पनीर, और मैंने फ्रेंड्स चिकना थोड़ा कम ही रखा है, तो आपको लग सकता है शायद कि इसमें ऊपर से ऑयल ऑयल नहीं दिख रहा, तो चिकना मैंने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि पूरी कचौड़ी में भी चिकना होता है, और कम ऑयली बनाया है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, पर मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। मस्टर्ड ऑयल में बहुत यम्मी लगता है, सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब मंदिर ऐसा लग रहा है, और जो ये शुभ लाभ लगे हुए हैं ये बहुत मुश्किल से मिले हैं, ये सब ओम स्वास्तिक वगैरह, तो हमने ऐसे लगा लिया।
और ये है मेरा किचन, और एक दिए वाली मेरे पास ये लाइट्स थे तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर टांग दिए हैं, और ये मेरी हो गई है नीचे पूजा की तैयारी। सो चलिए मैं पास से दिखाती हूँ थोड़ा आपको। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये लेकर आई हूँ, मेरे ये आई हैं इस बार दीपावली पे लक्ष्मी जी गणेश जी, ये मैंने सिल्वर के लिए हैं। और धनतेरस वाले दिन मैं लेकर आई थी, तो मैं ये वाले ये जो है ना साइड वाले ये लेकर आई थी धनतेरस पर। सो कैसे लग रहा है लक्ष्मी जी गणेश जी बताइएगा। सो और ये स्टूल अभी भैया लेकर आए हैं। सो और यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ये फल, और ये हैं सारी मिठाइयाँ, ये मिक्स मिठाई हैं, और ये जो सोन पापड़ी आती है हल्दीराम की वो है, और ये है मेवा पाक, मेवा वाइट, सॉरी ये मेवा वाइट बोला जाता है, मेवा वाइट और चोको वाइट। और यहाँ पर एक गिलास में रखा हुआ है पंचामृत, और एक गिलास में रखा हुआ है जल, और यहाँ पर ये दिए मैंने लगा के रखे हैं, अभी इसमें मैं ऑयल डालूँगी, और ये थाली लगाई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है, और वहाँ पर वो दोनों दीपक रखे गए हैं, तो वो दीपक भी जलेंगे अभी। और बिहार ने थोड़ा सा रंगोली मेरी बिगाड़ दी है दोनों तरफ की, तो इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। अभी भगवान जी के कपड़े तो मिले नहीं थे लक्ष्मी जी गणेश जी के, तो मेरे हस्बैंड दो चुन्नी ले आए थे, ये लक्ष्मी जी के लिए वो गणेश जी के लिए, तो वही हम अभी उड़ा देंगे, और बाद में मैं कभी मंगवाऊंगी लक्ष्मी जी गणेश जी के वो कपड़े। देखिए कैसे लग रहे हैं, ये चांदी के हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे मैंने पूजा की, मेरे हस्बैंड ने पूजा की तैयारी की है, ये मैंने नहीं की है, और हर बार दीपावली पे वही करते हैं पूजा की तैयारी, जो भी होती है जिस हिसाब से उनको पसंद है तो वो अपने आप ही करते हैं। और मैंने पहनी है आज ये वाली साड़ी, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो कैसा लगा मेरा ये पूजा का करने का तरीका, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आप सभी को भी हैप्पी दीपावली, आपके भी घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो मेरा हस्बैंड लेकर आए हैं अभी गुजरात से, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। वो मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं, और करवा चौथ पर ये गजरा लेकर आए थे, मैं पहनना भूल गई। और बिहान गया अपने मामू के साथ, वो तैयार हो गया था तो उसको घूमना था, तो उसके मामू उसको घुमाने को लेके गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत गर्मी है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आई एम वेरी सॉरी मैं आज पूरा दिन ब्लॉग ही नहीं की, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी इस चक्कर में। सो ये है गजरा, मैं भी पहन लूँगी, और पता है गर्मी की वजह से मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह भी नहीं डाला है, बस सिर्फ रेडी हो गई, और बिंदी आज मैंने बड़ी वाली लगाई है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बैठ गई मैं अपने अड्डे पर,
और पूजा हो चुकी है, उसके बाद फोटो सेशन भी हो चुका है और आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आईज वगैरह पर भी सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाई और कुछ नहीं लगाया है। इतनी गर्मी, हम बालों से देख सकते, पसीना पसीना हो रहा है, तो बहुत गर्मी है। और बस जैसा भी और बिहान आदि मतलब पूजा कर रहे थे, उसी टाइम वो सो गया, सो बिहान तो सो गया, तो मैंने बिहान के फ़ोटोज़ खींचे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत क्यूट लग रहा था वो, उसने आज न्यू आउटफिट पहना था अपना, सो देखिएगा। और मैं हम लोग के भी पिक्चर इसमें ऐड करूँगी, सो देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और बस अभी हम थोड़ी बहुत देर में खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी और आज मेरा व्रत है। बस हालत बहुत खस्ता हो गई है। और मंदिर मैंने सजाया, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और पीछे बिहान का स्कूटर रखा है, बाहर दिए वगैरह लग गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई नो आज मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस रेसिपी शेयर करिए कैसी लगी आप बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने जो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है उसमें मैंने सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो सॉल्ट मैंने बाद में डाला, तो उसका मैं शूट नहीं की हूँ, सो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं उसमें। और मैंने अभी बनाई है अरबी और बनाई है मैंने, क्योंकि और फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई, खाना मैंने थोड़ा ज़्यादा करके बनाया है, आपको भी लगेगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ बासी खाया जाता है पड़ेवा को, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है ताकि अभी खाकर भी सुबह बच जाए। तो बस यही सब चल रहा है। और मैंने गुलाब जामुन का जो MTR का आता है ना पैक, वो मैं लेकर आई थी पर मैंने वो बनाया ही नहीं, देखो कल या परसों मैं बनाऊंगी। और ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इस लिपस्टिक के बारे में आपको बहुत जल्द वीडियो मिलेगा, मे बी ये ब्लॉग कल आएगा तो वो वीडियो परसों शायद आएगा। बहुत अच्छा शेड है ये और लिप्स पर, और आपको कैसा लग रहा है आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और भैया वगैरह फुलझड़ी लेकर आए थे, अब हम क्या फोड़ेंगे, बिहान तो सो गया, उसी के लिए शगुन करना था, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और मैं जा रही हूँ ये साड़ी को चेंज करने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ तो ये जो विंडो है ना, यहाँ से हवा आती है, इधर समुंदर है ना तो हवा आती है ठंडी ठंडी, लेकिन इस एरिया में बैठो तभी आती है, और बाकी पूरे घर गर्म हो रहा है। एक्चुअल में मैं उधर पूजा कर रही थी तो पंखा बंद था, तो उस वजह से भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा सादा सिंपल सा ब्लॉग। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मेरी रेसिपी भी अगर थोड़ी सी पसंद आई हो, और डेकोरेशन जो मैं कर पाई वो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत इस चीज़ को बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ सामान मिलना नहीं है तो मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करूँगी। सो नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर मैं रेडी रहूँगी इस चीज़ के लिए। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर, वो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।